बिहार में आप सरकार का कोई भी विभाग उठा लीजिए, बिना किसी रिसर्च के आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि इस विभाग में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। और खासकर जब बात बिहार के स्वास्थ्य विभाग की हो तो उसके क्या ही कहने हैं। उसके बदहाली की कहानी हर दिन नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बीते 3-4 दशकों में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन बिहार के अस्पतालों में आज भी मरीजों और उनके परिजनों की चीख पुकार उसी तरह गूंज रही है। कहीं अस्पतालों में एक्सरे मशीन नहीं है तो कहीं बिना डॉक्टर के अस्पताल चल रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही अस्पताल की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप आश्वस्त हो जाएंगे कि बिहार के सरकारी अस्पतालों को हमारे माननीयों ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। पूर्वी चंपारण का ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ा सहन है। आप इसे अस्वास्थ्य केंद्र भी कह सकते हैं, क्योंकि लोगों का इलाज करने वाले इस अस्पताल को खुद बेहतर इलाज की जरूरत है। हमारी व्यवस्थाओं की चालाकी देखिए। इसे तस्वीरों में फिट दिखाने के लिए इसकी बेढंग पड़ी दीवारों पर रंग की परतें चढ़ाई जा रही है, ताकि युवाओं के चहेते हमारे स्वास्थ्य मंत्री ट्विटर पर ट्वीट कर वाहवाही लूट सकें। अस्पताल की सबसे पहली जरूरत होती है साफ सफाई, लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। शौचालय की यह तस्वीर खुद इसकी गवाही दे रही है। जब मंत्री जी आपको लाल पीली अस्पताल की तस्वीर ट्विटर पर दिखाएं, तो ये तस्वीर आप उनको कमेंट में दिखा सकते हैं। अगर उनके जिंदगी में शर्म के लिए कोई जगह बची होगी तो वो अपनी बेशर्मी को सहजता से स्वीकार कर लेंगे। आप इस स्वास्थ्य केंद्र की एक एक कर सारी तस्वीरें देखते जाइए, और मैं आपको जो फैक्ट बता रहा हूँ उसे भी सुनते जाइए, और फिर तय करिए जिसे आप अपना मसीहा मानकर वोट कर रहे हैं उसे आपकी कितनी चिंता है। 27 दिसंबर 2021 को सरकारी थिंक टैंक यानी नीति आयोग ने 2019-20 के लिए अपने स्वास्थ्य सूचकांक का 4वां संस्करण जारी किया था, जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में बिहार 31.00 स्कोर के साथ 19 राज्यों में 18वें स्थान पर है, जबकि केरल 82.20 स्कोर के साथ पहले स्थान पर। इतना ही नहीं, बिहार में 1 लाख की आबादी पर महज 6 से 7 बेड उपलब्ध हैं। नीति आयोग एक सरकारी संस्था है, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर देते हैं, इस बदहाली की जिम्मेदारी लेने से पल्ला झाड़ लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसुराज टीवी।